मेरा नाम चिंतन है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिता एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं। वे अपना ज्यादातर समय गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन रिलेटेड मैटर तैयार करने में बिताते हैं। उन्होंने मेरे आगे यह प्रस्ताव रखा कि क्या मैं एक डीसी मोटर की वर्किंग पे वीडियो तैयार कर सकता हूँ। तो मेरी हमेशा से मोबाइल और कंप्यूटर की गेमिंग में रुचि थी, तो मैंने उस मामले में सोचा और मेरे पिता ने मुझे एक ब्लेंडर नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जो इन्हीं सब कामों में सक्षम है और वह ग्राफिक डिजाइनिंग मॉडलिंग के काम में आता है। तो मैंने उसे यूट्यूब की मदद से सीखा और एक वीडियो तैयार की जिसके अंदर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डीसी मोटर की वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन के लिए हमने ब्लेंडर को यूज किया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एडिटिंग के लिए हमने ऑडिसिटी को यूज किया है। एंड वीडियो एडिटिंग ऑडियो वीडियो मिक्सिंग के लिए हमने ओपन शॉट को यूज किया। एग्जॉस्ट फैन है, जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं वैसे ही ये घूमना शुरू कर रहा है। आप देख सकते हैं अब हमने स्विच को बंद कर दिया है और इसने भी घूमना बंद कर दिया है। दोबारा देखें, हमने स्विच को ऑन किया और इसने घूमना शुरू कर दिया और अब हमने स्विच को ऑफ किया और इसने घूमना बंद कर दिया। हमने एग्जॉस्ट फैन को खोल लिया है और उसके अंदर इस प्रकार की एक डीसी मोटर लगी है। डीसी मोटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह काम में आती है, जैसे कि बच्चों के खिलौनों में, इसी प्रकार के काफी एग्जॉस्ट फैन में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में और सीडी प्लेयर में भी। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि डीसी मोटर किस प्रकार काम करती है? आइए अब हम इस डीसी मोटर को खोल के देखते हैं। अब जैसे ही हमने इसे खोला है हमें इसके दो टुकड़े मिले। पहले हिस्से में आप देख सकते हैं यह एक स्थायी चुंबक है और दूसरे हिस्से में यह एक कॉइल है जो आर्मेचर के ऊपर लपेटी हुई है। यह कॉइल है ये कॉपर के वायर से बनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह वायर्स हैं जो इसको करंट सप्लाई करते हैं जिसके कारण ये घूमने लगती है। वास्तविक डीसी मोटर को समझने के लिए हमने यहाँ एक सरल मॉडल लिया है। जो डीसी मोटर हमने देखी थी उसके आर्मेचर पर बहुत सी कुंडलियाँ थी, पर सरलता के लिए हम एक ही कुंडली दर्शा रहे हैं। कुंडली के अलावा हमने दो ग्रेफाइट के ब्रशेस का, एक स्विच का, एक बैटरी का, दो वायर का और एक स्प्लिटरिंग का और एक स्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया है। हेलो फ्रेंड्स, डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक दृष्ट धारा जनित्र का मॉडल है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं कि करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है और मोटर घूमने लगती है। जब हम स्विच बंद कर देंगे तो करंट का प्रवाह बंद हो जाएगा और मोटर घूमना बंद कर देगी। करंट के प्रवाह के कारण कॉइल अथवा कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है जो स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रही है, जिसके कारण कॉइल घूमने लगती है और निरंतर घूमती रहती है।
अब हमने स्थायी चुंबक को हटा दिया है और कॉइल में करंट का प्रवाह जारी है, लेकिन वह घूम नहीं रही है। अब हमने चुंबक को उसके पुराने स्थान पर वापस ला दिया है और कॉइल ने वापस घूमना शुरू कर दिया है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह के कारण कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र और स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। यहाँ नीले घेरे कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं और लाल रेखाएं स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक बिंदु पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। इस तरह के अनेकों बिंदु दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में होते हैं। कॉइल का बार मैग्नेट की तरह व्यवहार उसे गति प्रदान करता है। स्थायी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव काल्पनिक बार मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण वह गति में आ जाता है। जैसे ही काल्पनिक बार मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव स्थायी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के बराबर आता है, उसी क्षण बार मैग्नेट के ध्रुव बदल जाते हैं। तब स्थायी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव काल्पनिक बार मैग्नेट के दक्षिणी ध्रुव को आगे धकेलता है, जिसके कारण मोटर चलती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो मोटर को गतिमान बनाए रखती है। कुंडली की चुंबक के ध्रुव निरंतर क्यों बदलते रहते हैं? इसका राज कम्यूटेटर अथवा स्प्लिट रिंग में छुपा है। स्प्लिट रिंग बीच में से दो हिस्सों में कटी हुई है और कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग हिस्से से जुड़े हैं। यह स्प्लिट रिंग दो ग्रेफाइट के ब्रशों के बीच में घूमती है। स्प्लिट रिंग के हिस्से बारी बारी से इन ब्रशों के संपर्क में आते हैं। जैसे ही स्प्लिट रिंग का एक हिस्सा ब्रश को बदलता है, करंट की दिशा बदल जाती है और कॉइल से बनी चुंबक के ध्रुव बदल जाते हैं। इस प्रकार बारी बारी से विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम स्पष्ट करता है कि जैसे ही कॉइल में करंट का प्रवाह आरंभ होता है, उसमें गति आ जाती है और बाहरी चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कॉइल की चुंबक को बारी बारी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूर धकेलते हैं, जो कॉइल अथवा आर्मेचर को सतत घुमाए रखती है।